जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। दर्शकों, राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से विश्व शांति और 2019 में होने वाली महाप्रतिष्ठा के प्रचार प्रसार हेतु तमिलनाडु के कृष्णगिरी धाम से निकला विश्व शांति रथ जगह जगह मैती धर्म प्रभावना कर रहा है। इस श्रृंखला में रथ विगत 21 अगस्त को सबसे पहले करोई पहुंचा, जहां अनेक भक्तों ने रथ में विराजित भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का लाभ लिया। करोई के बाद रथ बेड़वाल पहुंचा। यहां भी अनेक भक्तों ने रथ में विराजित भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का लाभ लिया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। यात्रा में भक्तों ने पूर्ण उत्साह के साथ भाग लिया, जगह जगह जयकारे लगाए और नृत्य भी किया।
विविध मार्गों से होती हुई यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां भक्तों ने एक ओर बैठकर प्रभु स्तुति की। इसके बाद
मठाधिपति आचार्य देव प्रेम सागर जी महाराज साहब, शिष्य रत्न डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की निश्रा में उनकी प्रेरणा से कृष्णगिरि तीर्थधाम में 421 फीट ऊंचा शिखर युक्त प्रभु पार्श्वनाथ महाचैतन्यालय का प्रतिष्ठा महोत्सव फरवरी 19 में है। वहाँ का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और आचार्य भगवान के दिशा निर्देश से एक रथ कृष्णगिरि तीर्थ से पूरे भारतवर्ष में घूम रहा है। यह रथ घूमते हुए एमपी मध्य प्रदेश में अभी विचरण कर रहा है। यह बिडवाल गांव, यहां पर आज इस तीर्थ का नगर प्रवेश हुआ। बिडवाल ट्रस्ट मंडल की ओर से, महिला मंडल की ओर से एवं गांव के जैनत्र भाई की ओर से, गांव के प्रशासन की ओर से इस रथ यात्रा का, विश्व शांति रथ यात्रा का बहुत बहुत भावभीनी स्वागत किया गया। यहां पर रथ मंदिर पर आने पश्चात प्रभु का चेतवंदन, प्रभु की आरती, मंगल दीवा उतारा गया। हमें लगा कि कृष्णगिरि तीर्थ में इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, विश्व का एकमात्र मंदिर, 421 फीट ऊंचा शिखरयुक्त मंदिर जो बन रहा है, विश्व का एकमात्र मंदिर होगा। हम बिडवाल से भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के श्रावकगण प्रतिष्ठा महोत्सव में वहाँ पहुँचे और वहाँ का आनंद लें। कई तरह के कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए हैं, सभी अलग अलग भाग में रखे गए हैं। बालिकाओं के उम्र के हिसाब से रखे गए हैं, बच्चों के, वरिष्ठों के, और सभी 8-9 रोज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभु से ये विनती है हमारी कि अच्छे ढंग से संपन्न हो। वैसे आचार्य भगवान प्रेम सागर जी महाराज साहब की जो निश्रा है, डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की जो निश्रा है, इसमें लगता है कि जो रथ निकल रहा है उससे प्रतिष्ठा महोत्सव, एक भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, ये हमें अभी से आभास हो चुका है। बेडवाल के बाद रथ कोद पहुंचा। यहां भी अनेक भक्तों ने रथ में विराजित भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का लाभ लिया। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र।